हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। तो यार आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न की प्राइम डे सेल की। तो यार यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑफर्स मिलने वाले हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर आपको लैपटॉप लेना हो या फिर आपको कोई भी गेमिंग प्रोडक्ट लेना हो। तो यार ये एक ऐसी सेल है जो अमेज़न अपने एक साल में एक बार लगाते ही लगाता है, और आपको यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स मिलते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हो। तो यार इसमें आपको हर एक चीज मिलने वाली है, और यहाँ पे न्यू लॉन्चेस मिलने वाले काफी सारे लैपटॉप्स के और स्मार्टफोन की। तो यार यहाँ पे लाइन ही लगी हुई है। तो यार हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो सैमसंग आपको यहाँ पे M31S मिल जाएगा, रेडमी की बात करें तो आपको यहाँ पे रेडमी का नोट 9 जो अभी अभी लॉन्च हुआ है वो मिलेगा, और यहाँ पे आपको नॉर्ड भी मिलने वाला है। तो अगर नॉर्ड की बात करें तो उसपे आपको 2000 का एक बहुत ही बढ़िया सा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और डिस्काउंट्स की बात करें तो यार यहाँ पे HDFC बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर कोई डेबिट कार्ड है तो आपको सीधा सीधा 10% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसको कहते हैं इंस्टेंट डिस्काउंट। और यार अगर और बात करें कि आपके पास पैसे नहीं है अभी लेने के, तो यार आप उसको EMI पे भी ले सकते हो, और EMI आपको नो कॉस्ट EMI मिलेगी। तो यार यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, तो यार यहाँ पे आपको इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर मिलने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन यार चेक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं हर एक प्रोडक्ट का लिंक दे रहा हूं, और वो आपको बहुत ही बढ़िया लिंक होगी, क्योंकि मैं लाता हूं बेस्ट सेलर के लिंक्स, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और जितने भी अच्छे अच्छे ऑफर्स है यार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन ढूंढना मत भूलना। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैंने अपना खोल लिया लैपटॉप और उसके ऊपर मैंने खोल लिया अमेज़न प्राइम डे सेल। तो आप सामने ही देख सकते हो यार कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिख रहा है HDFC बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे, और इस पे आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल जाएगी। तो गाइज अब हम नीचे चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको एक एक बढ़िया बढ़िया ऑफर। तो यार इसमें अगर आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो ना यार, तो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे डील्स मिल जाएगी। और एक अमेज़न प्राइम एक ऐसी डील है जो साल में एक बार लगती ही लगती है, और इसके अंदर इतने अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं कि यार वर्थ होती है कुछ भी खरीदना, क्योंकि ऐसे डिस्काउंट्स आपको नॉर्मल डेज में नहीं मिलते। तो यार यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्रांड सैमसंग, वर्लपूल, इंटेल, फिलिप्स, शाओमी और बाकी सारी जितने सारे ब्रांड्स है सब पे आपको यहाँ पे मिल रहा है, और वन प्लस भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो सब आपको डिस्काउंट्स वगैरह देंगे, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्राइस मिलने वाली है हर एक प्रोडक्ट की। तो यार अब नीचे चलते चलते यहाँ पे आप देख सकते हो 40% आपको मोबाइल्स प्लस एक्सेसरीज पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्काउंट। तो यार यहाँ पे आपको इसमें और बड़े बड़े फायदे ये मिलते हैं कि अगर आप नॉर्मल डेज पे चेक करो तो आपको नॉर्मल डेज में सिर्फ 9000 से 9500 रुपीस का एक्सचेंज ऑफर मिल जाता है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको 13500 का अपने एक्सचेंज प्रोडक्ट्स पे मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे आप अगर अपना फोन पुराना देना चाहते हो तो आपको अच्छे प्राइस में यहाँ पे बिक जाएगा। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यार वहां पे आपको कम प्राइस ये पे करेंगे तो यार वहां पे आपका लॉस है, तो इस बार आपका परचेज करना बहुत जरूरी बनता ही है। तो हम खोल लेते हैं यहाँ पे अपने स्मार्टफोन्स। तो यार यहाँ पे आ रही है 6 और 7 अगस्त की यहाँ पे सेल है, और यहाँ पे नीचे चलते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ रेडमी नोट 9 जो अभी लॉन्च हुआ है और अभी यहाँ पे सेल पे नहीं आया, तो पहली बार यहाँ पे सेल पे आने वाला है। तो यार इसको लेना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है आपको G85 का प्रोसेसर मिल जाएगा मीडिया टेक का, जो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। और इसका जो प्राइस की बात करें तो यार प्राइस भी इतना सही आ रहा है ना, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया फोन। तो यार ये वाला फोन तो बहुत वर्थ इट है बाय करना। और यहाँ पे आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स मिल जाएगा, रेडमी नोट 9 भी मिल जाएगा, और ऑनर 9 का भी यहाँ पे 10,000 के अंडर वाला जो फोन है 9,000 रुपीज का, इसमें मैसिव बैटरी आपको 5,000 mAh की मिल जाएगी। तो यार आप ये वाला भी परचेज कर सकते हो आपका अगर बजट कम है तो। और अब इनके मेन हाइलाइट्स पे आते हैं यार। मेन हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है वन प्लस 70 जो आपको 855 के प्रोसेसर पे मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का 855 और 35,000 मतलब 35,999। तो यार बहुत अच्छी प्राइस है, आपको एक वन प्लस का ब्रांड मिल रहा है और यहाँ पे इतने बढ़िया प्राइस में, तो यार ये वाला ऑफर आप ले सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे वन प्लस 8 लॉन्च हो चुका है, बट अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप 855 को प्रोसेसर लेना चाहते हो और आपके बजट के अंदर आ रहा है, तो यार ये वाला फोन 70 लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल वर्थ इट है। और यार यहाँ पे आईफोन्स की बात करें तो आईफोन्स भी बहुत अच्छे प्राइस पे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आईफोन 11 की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि प्राइस काफी कम हो सकता है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो 5G वाला मॉडल, क्योंकि यार वैसे तो वन प्लस के
8 वाले जितने भी है सारे 5G है। ये वाला प्रो वर्जन आपको 54999 का मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आगे बात करें तो यार सैमसंग का गैलेक्सी M31 मिल रहा है जो थोड़ा सा प्राइस हाई हो गया है, इसकी बजाय तो हम कोई और प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपका एम है कि आपको सुपर एमोलेड चाहिए तो यार ये फोन आपके लिए बहुत बढ़िया सूट करेगा। और हम और नीचे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे M21, ओप्पो, सैमसंग का M11 भी मिल रहा है, यहाँ पे रेडमी नोट 8 भी मिल रहा है और काफी अच्छे प्राइस पे मैं देख सकता हूँ ये मिल रहा है। और यहाँ पे आपको और भी सारे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। तो यार अब हम आते हैं अपने मिड रेंज स्मार्टफोन्स पे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन होते हैं। तो यार यहाँ पे आपको वीवो का V19 मिल जाएगा और इसका प्राइस भी मेरे को लगता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव आने वाला है। और यहाँ पे भी अभी थोड़े थोड़े प्राइस इन्होंने छुपाए हुए हैं, बट मैं जो देख रहा हूँ कि ऑनर का आपको 9X, यार इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर या गूगल सर्विसेज तो नहीं है, बट यार अगर मैं बात करूं कि इसके प्रोसेसर की तो यार 3 लाख प्लस का इसका ऑनटू स्कोर आता है। तो यार आप वहां पे वो चेक कर सकते हो, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर एपीके डाउनलोड कर सकते हो नेट से। तो यार ये वाला फोन ले लेना, ये इसमें आपको बेस्ट क्लास परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको रेडमी का K20 Pro भी मिल जाएगा और ये भी बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस पे आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल डेज में देखे तो यार ये 25,000 से 26,000 के अराउंड ही आता है। और अगर हम ओप्पो की रेनो की बात करें तो ये भी काफी अच्छी प्राइस पे आ रहा है। यार इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वालकॉम का फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिल जाएगा और यहाँ पे 8GB प्लस 128GB मिल रहा है। तो यार अगर आपकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे सूट करती है तो आप ये वाला फोन तो जरूर ले सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स वाली रेंज में, तो क्योंकि यार प्रीमियम चीज मेरे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे OnePlus का 70 Pro जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 90Hz की आपको इसमें फ्लूइड यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी और ये भी बहुत तगड़ा प्राइस है, 43,999 रुपीज का, और आपको एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज एक्सचेंज में मिल रहा है। तो यार ये वाला फोन यहाँ पे एक्सचेंज में ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो यार OnePlus 8 भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर रहेगा, क्योंकि यार वहां पे भी OnePlus 8 आपको 5G में मिल जाता है और 5G अगले साल मेरे को लगता है कि 5G आने ही वाला है। तो यार यहाँ पे और बात करें तो OnePlus 8 का 5G वाला आपको 41999 का मिल जाएगा, बट इसमें स्टोरेज थोड़ी ज्यादा दिख रही है मेरे को। आपको यहाँ पे OnePlus 8 में थोड़ी कम स्टोरेज मिल जाएगी 70 Pro से। यार यहाँ पे MI 10 भी मिल रहा है, ये लोग कह रहे थे कि बहुत महंगा निकाल दिया MI ने, बट यार मैं अगर अपनी बात करूं तो इसमें जो फीचर्स वगैरह दे रहे हैं तो यार उस हिसाब से आप OnePlus से बेटर मोबाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको MI 10 बहुत बढ़िया फोन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 8GB रैम और 128GB मिल रही है, आपको 865 का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है और इसकी जो फीचर्स है ना यार 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि बहुत ही एक हाईलाइटिंग चीज हो जाती है कैमरा इस फोन में। तो गाइस मैं आपके साथ स्मार्टफोन की बात कर ही चुका हूं, तो यार मैं आप खोल लेता हूं लैपटॉप्स वगैरह, क्योंकि लैपटॉप लेने की भी बहुत वेट कर रहे हैं तो लोग। और यहाँ पे आपको ऑनर का नया लैपटॉप आया है तो यार वो भी मिल जाएगा, क्योंकि सारे नए लॉन्च यहाँ पे अमेज़न की यहाँ पे प्राइम डे सेल पे होने वाले हैं। और अगर आप लेटेस्ट चीजें लेना चाहते हो, आप पसंद करते हो, तो यार आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम अपने कैमराज और लैपटॉप वाली जगह पे खोल लेते हैं यहाँ पे, बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा दे दूंगा कि अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो ये लिंक्स है, अगर आप फोन लेना चाहते हो तो ये लिंक्स है। तो यार डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ, देखना मत भूलना, क्योंकि यार मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड करूंगा वो बेस्ट सेलर का लिंक होगा, और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको कोई और भी सेलर का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो यार मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको बेस्ट सेलर से ही ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि यार उसकी वैसे ही रिव्यूज अच्छे हैं तो वो अच्छा प्रोडक्ट ही देगा। तो यार हम और बात करें तो यहाँ पे अब मिनिमम 15% आपको मिल रहा है, मिनिमम 15% काफी ज्यादा होता है। और यार यहाँ पे हम इसकी स्पेक्स की बात करें तो 10th जनरेशन का आपको i3 का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है, 1005G1 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाए जो 4GB रैम के साथ है, और यहाँ पे आपको विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस साथ में मिल रहा है, आपको इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल रहे हैं। तो यार ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप हो सकता है। 14 इंचेस की यहाँ पे HD स्क्रीन है, फुल HD होती तो यार और मजा आता, बट अगर हम बात करें अपने प्राइस पे जहां पे आ रहा है तो यार ये बेस्ट इन क्लास प्राइस हो सकता है आपके लिए। तो गाइस अगर मैं आपको न्यू लॉन्चेस की बात करूं, क्योंकि कई लोग होते हैं यहां पे न्यू प्रोडक्ट्स ही लेना चाहते होते हैं, तो यहां पे आपको न्यू प्रोडक्ट्स की मैं आपको डिटेल दे देता हूं। अगर आप HP का पेविलियन लैपटॉप लेने का सोच रहे थे ना, तो यार i5 आपको यहां पे लैपटॉप मिल जाएगा जो अभी लॉन्च होने वाला है, अभी इसके प्राइसेस वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगे, बट यार HP का पेविलियन क्लासेस तो यार इतनी बढ़िया है ना यार यहां पे लैपटॉप में। तो गाइस अगर आप यहां पे परचेज करना चाहते हो तो HP आपको बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास यहां पे
आपको परफॉर्मेंस दे देगा और बहुत ही बढ़िया लैपटॉप लगता है मेरे को। और यहाँ पे लेनोवो की बात करें तो गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप तो लेनोवो के होते ही हैं। तो लेनोवो का एक नया लैपटॉप लॉन्च होने वाला है यहाँ पे 5i के नाम से, और i7 में देख पा रहा हूँ यहाँ पे 10th जनरेशन 8GB रैम होगी और एनवीडिया का 1650 वाले ग्राफिक्स जो बहुत हाई एंड ग्राफिक्स माने जाते हैं वो यहाँ पे लेनोवो प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी बात करें तो यार हर बंदा यहाँ पे इतने महंगे लैपटॉप नहीं ले सकता, तो i3 लैपटॉप यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। तो यार i3 में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे Asus का Vivo Book Ultra आ रहा है यहाँ पे, और ये i3 है 10th जनरेशन पे लॉन्च होगा। 4GB रैम इसमें मेरे को दिख रही है और 14 इंचेस का लैपटॉप होगा। यार अगर आप बिजनेस क्लास हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो 14 इंचेस आपके लिए काफी इनफ है, और आप गेमिंग वगैरह करते हो तो यार आपको 15.6 इंचेस से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, 15.6 इंचेस तो होनी ही चाहिए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे Lenovo का हमें i5i दिख रहा है यहाँ पे, i3 भी HP का Pavilion का लॉन्च होने वाला है, तो यार ये भी बहुत ही बजट सेंट्रिक में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्राइस देता है HP तो यार ये भी एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे और लैपटॉप्स की बात करें तो यहाँ पे Pavilion का आपको i5 मिल जाएगा, यहाँ पे आप छोटे प्रोसेसर भी देख सकते हो, यहाँ पे HP का बहुत बढ़िया लैपटॉप्स होते हैं यार, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई हमने इतनी बात कर ही लिया तो थोड़ा बहुत गेमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी आ जाते हैं। तो यार यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, यहाँ पे गेमिंग का प्रोडक्ट और जो रेड गियर का माउस लॉन्च होने वाला है वो भी बहुत ही बढ़िया माउस है। तो यार अगर आप लेना चाहते हो, इसमें लाइट है, RGB देखो मेरे को कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है, और DPI भी यहाँ पे 600 की है। तो यार नॉर्मल में आपको एक आइडिया दूं तो यार एक PUBG जो एम्यूलेटर में खेलते हैं वो 240 DPI पे चलती है और इसमें 6400 की DPI, तो ये बहुत ज्यादा होती है गाइस। और यहाँ पे सुपर ड्यूरेबिलिटी लिखा है, तो यार आप जानते हैं रेड गियर के प्रोडक्ट्स मैं भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और ये बहुत ही रिलायबल होते हैं और बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आ जाता है तो यार ये पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपके घर से डिलीवर होता है, यहाँ से अगर आप भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो और वो आपको पेमेंट कर देंगे जितनी भी आपकी कोरियर की हुई है, और आपको फ्री डोर टू डोर सर्विस मिल जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, और अगर आप बात करोगे कि यार आपको यहाँ पे गेमिंग वगैरह चाहिए थी, यहाँ पे कोई स्टफ चाहिए था, यहाँ पे आपको गैजेट्स वगैरह की, तो यार अगली वीडियो में मेरी जरूर आएगा। और यार इस वीडियो को मैं शाउट आउट की बात करूं तो यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहूंगा स्मार्ट समर्थ प्रो गेमिंग को, क्योंकि यार इन्होंने हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे कमेंट्स किए, मेरी हर वीडियो लाइक किया है, तो यार यहाँ पे मैं इनको एक शाउट आउट देना चाहूंगा बहुत ही बढ़िया सा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको भी शाउट आउट दूं तो यार आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि आप मुझसे एक शाउट आउट चाहते हो। तो चलो मिलते हैं अगली बारी।